हार्ट अटैक आने के जरूरी लक्षण। भूलकर भी न करें नजर अंदाज। हार्ट अटैक आने से पहले शरीर देने, लगता है ये संकेत, हो जाएं सावधान। नंबर एक, सीने में दर्द होना। नंबर दो, सांस लेने में तकलीफ होना। नंबर तीन, बहुत ज्यादा ठंडा पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना। नंबर चार, हाथ पैर में झुनझुनी। नंबर पांच, अचानक चक्कर आना। नंबर छह, पीठ से ऊपर गर्दन तक के हिस्से में दर्द। नंबर सात, सीने में भारीपन और बेचैनी। नंबर आठ, पैर के पंजे, टखने और अन्य हिस्से में सूजन, दर्द, छाती से हाथ तक फैलना। नंबर नौ, रात में सांस लेने में परेशानी, सीने में दबाव या फिर जलन महसूस होना। नंबर दस, बेवजह थकान महसूस होना। इन बातों को दिमाग में गांठ बांध लीजिए। नंबर एक, जब आप बहाने बनाते हो तो किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देते हो। नंबर दो, रोते को रुलाना और डरते को डराना, यही दुनिया की रीत है, इसलिए ना कभी डरे और ना कभी रोए, हमेशा मजबूत बने रहे। नंबर तीन, जो लोग हमेशा अपनी गलतियों को सुधारते हैं और उन पर ध्यान देते हैं, वह लोग हमेशा बुद्धिमान कहलाते हैं। नंबर चार, सबसे समझदार व्यक्ति वही है जिसके आंख कान तो खुले हैं पर मुंह बंद हो। 191। नंबर पांच, अपनी गलतियों से सीखे और आगे बढ़ते रहिए, भाग्य बिगड़ने के कारण। नंबर एक, बिना जरूरत के भंडारा ग्रहण करना। नंबर दो, किसी गरीब को बिना मतलब के सताना। नंबर तीन, घर में जगह जगह भगवान की तस्वीर लगाना। नंबर चार, अपने से बड़ों का तिरस्कार करना। नंबर पांच, घर में हमेशा ही कलह कलेश की स्थिति रहना। नंबर छह, अपने से नीचे वालों के साथ बुरा व्यवहार करना। नंबर सात, बात बात पर झूठ बोलने की आदत भाग्य को बिगाड़ के रख देती। जीवन में काम की बातें हैं। नंबर एक, खुद की कमाई से कम खर्च हो ऐसी जिंदगी बनाओ। नंबर दो, दिन में कम से कम तीन लोगों की प्रशंसा करो। नंबर तीन, खुद की भूल स्वीकारने में कभी भी संकोच मत करो। नंबर चार, किसी के सपनों पर हंसो मत। नंबर पांच, आपके पीछे खड़े व्यक्ति को भी कभी कभी आगे जाने का मौका दो। नंबर छह, रोज हो सके तो सूरज को उगता हुए देखें। नंबर सात, खूब जरूरी हो तभी कोई चीज उधार लो। नंबर आठ, किसी के पास से कुछ जानना हो तो विवेक से दो बार पूछो। नंबर नौ, कर्ज और शत्रु को कभी बड़ा मत होने दो। नंबर दस, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो। नंबर ग्यारह, प्रार्थना करना कभी मत भूलो। प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।